जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही है, पुलवामा में आतंकियों ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास तैनात पुलिस की टीम पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में कहा जा रहा है 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला आज सुबह करीब 4 बजे हुआ है। हमले के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है। हमले वाली जगह को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं अनंतनाग में भी आतंकियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम पर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में अभी तक किसी भी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन एक तरफ हिस्टोरिकल मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर नहीं आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, 2 पुलिस जवान शहीद हुए हैं, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन का। खालिद, सबसे पहले और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये आज करीबन 4 बजे सुबह न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो पुलवामा में है, वहां के डबल गार्ड रूम पे मिलिटेंट्स ने हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसको रिटेलिएट किया गया। लेकिन उस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस कर्मी जो वहां तैनात थे वो बुरी तरह से घायल हुए, 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए, जिसमें से 2 की जान चली गई और 1 अभी भी श्रीनगर के स्टेट हॉस्पिटल में घायल हालत में वहां भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा जिन मिलिटेंट्स ने वहां हमला किया था, वो 2 इंसास राइफलें, जो सर्विस राइफलें थी इन पुलिस वालों की, वो अपने साथ लेकर फरार हो गए। उसके बाद ही इस इलाके को कॉर्डन में लिया गया, तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। लेकिन अभी तक लग रहा है कि जो मिलिटेंट ने हमला किया था वो वहां से फरार हो गए हैं और तलाश अब भी उनकी जारी है। लेकिन युद्ध विराम के बावजूद यहाँ पर ऐसा हमला मिलिटेंट्स की तरफ से, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि युद्ध विराम एक तरफा है और मिलिटेंट्स जो है अपनी कार्रवाइयां लगातार कर रहे हैं। जी खालिद, एक क्लैरिटी के लिए, 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए जिसमें से 2 शहीद हुए? बिल्कुल, 2 शहीद हुए और 1 अभी भी स्टेट हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसका वहां इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया खालिद हुसैन। तो अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां केंद्र सरकार की तरफ से डिस्काउंट दिया गया था। ये कहा गया था सुरक्षा बल जो है वो अपनी तरफ से कोई भी ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो उस लिहाज से ये अच्छी खबर सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं। 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं पुलवामा में।